दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सुजुकी एक्सेस ओल्ड मॉडल का इग्निशन स्विच स्पार्क मिंडा कंपनी का। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस इग्निशन स्विच की पूरी डिटेल्स, किस टाइप का हमें इग्निशन स्विच देखने को मिलता है और क्या आपको इसे परचेस करना चाहिए कि नहीं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसी भी बाइक के स्पेयर पार्ट्स आपको परचेस करना हो तो आपकी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे, उन पर कॉल करके स्पेयर पार्ट्स परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों हमारी फेवरेट एसेसरीज जो हमें अमेजोन पर देखने को मिल जाती है उन सभी का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से चेकआउट करके कैश ऑन डिलीवरी के साथ अमेजोन से बेस्ट एसेसरीज बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ इस टाइप का हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है सुजुकी एक्सेस ओल्ड मॉडल के लॉक किट का स्पार्क मिंडा कंपनी के, जहां सामने की तरफ ऊपर हमें स्पार्क मिंडा की ब्रांडिंग, एक टैंक लॉक की फोटो, यहां पर लॉक्स लिखा देखने को मिल जाएगा। इस तरफ से बात करें तो यहां पर स्पार्क मिंडा की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ स्पार्क मिंडा का आपको पूरा एड्रेस देखने को मिल जाएगा, मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड A15 अशोक नगर बिहार फेज 1 दिल्ली, ये आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस देखने को मिल जाएगा। इस तरफ भी आपको दोस्तों लॉक्स स्पार्क मिंडा लिखा देखने को मिल जाएगा। और मेन बात करें इस साइड से तो यहाँ पर आपको इसकी सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ इसकी हमें MRP देखने को मिलती है 896 रुपीज़। इसका पार्ट नंबर है दोस्तों SW1285ZM। इस पार्ट नंबर से आप इसे परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसे परचेस करना है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे, उन पर कॉल करके इस पर पार्ट्स आप परचेस कर सकते हैं। और भी डिटेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको इग्निशन स्विच SW1285ZM 4XS125 लिखा देखने को मिल जाएगा। दे लिखा रहेगा कंसिस्टिंग ऑफ इग्निशन स्विच कम स्टेयरिंग लॉक, लॉक मिलेगा आपको 1 की मिलेगी 2 4XS125। आइए अब इसके बॉक्स को ओपन करके अंदर से मैं आपको पूरे इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। इसके बॉक्स को मैं दोस्तों ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ये रखा मिल जाता है मेन लॉक सेट, ये एक हमें प्लास्टिक की पॉलीथिन के अंदर रखा देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसके बॉक्स को साइड में कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये इस पॉलीथिन के अंदर पूरा हमें पैक देखने को मिलता है, ऊपर स्पार्क मिंडा की ब्रांडिंग और अंदर हमें पूरा लॉक और इसका देखने को मिल जाएगा। आइए अब मैं इसको आपको इस पॉलीथिन से बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। और इसको इसकी पॉलीथिन को दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है, मैं इसको भी मेन बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये आ चुका है दोस्तों मेरे हाथ में इसका मेन लॉक और साथ ही साथ इसकी दोनों चाबियाँ। ये रही दोस्तों इस टाइप की कुछ हमें इसकी कीज देखने को मिलती हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेन इग्निशन स्विच, ऊपर भी हमें पॉलीथिन लगी देखने को मिल जाती है। ये है दोस्तों मेन इग्निशन स्विच, जहाँ हमें सामने की तरफ दोस्तों इग्निशन लिखा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सील ओपन ऑन ऑफ लॉक शट ओपन बंद करने का आपको यहाँ पर सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और ये है मेन इग्निशन, जहाँ से आप चाबी को लगा सकते हैं। ये अभी दोस्तों शटर बंद है, इसकी चाबी से इसके शटर को हम ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही आपको लॉन्ग देखने को मिलता है और स्कूटी से ये बिल्कुल अलग हमें देखने को मिल जाता है एक्सिस का लॉक, जहाँ हमें यहाँ पर दोनों नट दिए गए हैं जिसकी मदद से आप इसे फिट कर सकते हैं। नीचे दोस्तों प्लास्टिक कार्डबोर्ड का प्रोटेक्शन लगी देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको फाइबर का मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर 3 स्क्रूज हैं, इसको कभी फ्यूचर में ओपन करने के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत फॉल्ट आता है तो बाकी इसमें कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। मेन सॉकेट की बात करें ओल्ड मॉडल के अंदर हमें 2 पिन का सॉकेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक स्पार्क मिंडा का स्टिकर लगा हुआ है। और दोस्तों ये होती है मेन लॉक, जिसकी मदद से आप इसके हैंडल को लॉक करते हैं। आइए मैं आपको इसका फंक्शन दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है। दोस्तों इसको आपको इसके अंदर लगाना होता है कुछ इस टाइप से, और लगाने के बाद आप जैसे ही इसको घुमाएंगे तो देखिए जो शटर है वो ओपन हो चुकी है। इसके अंदर आप इग्निशन लॉक की चाबी लगा सकते हैं। और दोस्तों देखिए ये ऑन ये ऑफ इस टाइप से वर्क करता है, जो मैंने आपको लॉक का फंक्शन बताना है। यहाँ पर देखिए इसको आप प्रेस करके लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो ये दोस्तों थोड़ा सा पोर्शन और बाहर की तरफ निकल जाता है, जिससे ये दोस्तों हैंडल लॉक हो जाता है। ये दोस्तों कुछ इसी टाइप से वर्क करता है। ये चाबी आप निकाल सकते हैं, ये अभी लॉक है, इसे आप हल्का सा प्रेस करके ये ऑफ ये ऑन ऑफ इस टाइप से वर्क करेगा। प्रेस करके आप लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो ये दोस्तों ये लॉक सिस्टम इसका वर्क करने लगेगा। मैं आइए आपको इसके एक बार आपको शटर दिखा देता हूँ। तो शटर के लिए इसको आपको इसमें लगाना होगा, ये आप लेफ्ट साइड में करेंगे तो बंद हो जाएगा, राइट साइड में करेंगे ये खुल जाएगा। कुछ इस टाइप से इसका शटर वर्क करता है।
और ऊपर की तरफ दोस्तों आपको सभी डिटेल्स भी लिखी देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों बाकी यही है मेन आपका लॉक सुजुकी एक्सेस ओल्ड मॉडल का, और चाबी का ओवरव्यू मैं और आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप की आपको दो की देखने को मिल जाती हैं, स्पार्क की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग और कुछ इस टाइप की आपको की देखने को मिलेगी। दोनों तरफ स्पार्क की ब्रांडिंग और दो चाबियाँ इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों यही था इग्निशन लॉक सुजुकी एक्सेस का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के और अमेजिंग रिव्यूज़ के लिए। और दोस्तों अगर आपको किसी भी बाइक के स्पेयर पार्ट्स परचेस करना हो तो आपकी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके स्पेयर पार्ट्स परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे फेवरेट एसोसरीज जो अमेजोन पर अवेलेबल है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।